सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना दोस्त ना कोई साथी, बस आप और आपकी किस्मत। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलना चाहिए। आज का पंचांग 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि दोपहर 3:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 11:49 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:09 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। हरतालिका तीज 2022 पूजा मुहूर्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि सोमवार 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से शुरू होगी। इसका समापन मंगलवार 30 अगस्त को दोपहर 3:33 पर होगा। हरतालिका तीज के दिन पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 पर है। यह योग सुबह 8:38 तक रहेगा। शाम को तीज पूजा का मुहूर्त शाम 6:33 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। धनु राशि 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं विचलित कर सकती है। मार्गदर्शन के लिए पारिवारिक इतिहास को जांचें, सोच समझ कर निवेश करें। कामयाब की प्रतिभा मूल्यवान है। यदि छोटा या अपमानित महसूस कर रहे हैं तो जल्द ही पासा पलटेगा। यह वो क्षण है जब आप सफलता और प्रतिष्ठा का आनंद लेंगे। जो मौके आपको मिलने वाले हैं उनके लिए तैयार रहें। आपको काम में जो संतोष मिलता है वह आपकी विवाहित और निजी जिंदगी को दर्शाता है। घर या ऑफिस दोनों जगह आपको आनंद मिलेगा। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना। आप आज जिस काम को मन में ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सम्मान जनित स्थितियां भी बनेगी, लाभदायक संपर्क भी स्थापित होंगे। किसी संबंधी के यहाँ जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। परिवार के लोगों के खिलाफ जो निर्णय आपने लिया है उस बारे में फिर से चर्चा होने की संभावना बन रही है। अपने छड़ को ठीक से अन्य लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। एक दूसरे के लिए नकारात्मक विचार दूर करें। इस समय उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न करने वाले को सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। रिलेशनशिप से संबंधित कमिटमेंट प्राप्त होने से बेचैनी दूर होगी। विटामिन्स की जांच करवाएं वरना बड़ी बीमारी होने की संभावना बन रही है। सावधानियां, कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने बजट का भी ध्यान रखें। किसी के साथ भी वाद विवाद के दौरान अपना धैर्य ना खोएं तथा शांति बनाकर रखें। अपरिचित व्यक्तियों के साथ ज्यादा मेल मिलाप रखना धोखा दे सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। जिंदगी की बोरियत दूर करने और यौन सुख पाने के लिए अभी कोई विशेष योजना बनाएं। अपने काम से ब्रेक लेकर अपने साथी के साथ समय बिताएं और इन यादगार पलों को समेट लें। किसी करीबी की लाइलाज बीमारी आपको झटका दे सकती है। घर और नौकरी दोनों में आपका दिन खुशनुमा बीतेगा। आपकी तारीफ होगी और आपको मान व सम्मान प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र की व्यवस्था आपके घरेलू जीवन को भी प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपने साथी के लिए कुछ खास समय निकालना ना भूलें। याद रखें कि भाग्य एक ही बार दस्तक देता है, इसीलिए इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। बात करते हैं करियर की।
आज किसी करीबी या सहकर्मी से संबंधित समस्या और जीवन में आया परिवर्तन आज आपको चिंतित करेगा। अचानक नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और साथ ही अनर्जित आय की भी संभावना है। जो भी करना है आज ही करें, क्योंकि यह वक्त फिर वापस नहीं आएगा। यह जीवन के वो पल है जब आप उस सफलता का आनंद लेंगे जिसके आप सच्चे हकदार हैं। करियर या व्यवसाय में लाभ आपके रोमांच और सुख को बढ़ा देगा। जब भी कोई मौका आपके दरवाजे पर आता है तो उसका स्वागत करना ना भूलें। याद रखें, जब तैयारी अवसर से मिलती है तो उसी को किस्मत कहा जाता है। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा तनाव और थकान की वजह से आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो सकती है। सकारात्मक बने रहें तथा मेडिटेशन अवश्य करें। विटामिन्स की जांच करवाएं वरना बड़ी बीमारी होने की संभावना बन रही है। आज का उपाय, आज हनुमान भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।